The all-new Vootkids app brings you over 200 plus tunes to watch. आइए सर, मेरे पास एक ऐसी चीज आई है जो आपको किसी के पास नहीं मिलेगी। सर, ये लॉकेट मार्केट में बिल्कुल नया आया है। अगर आपका बच्चा किसी भी परेशानी में होगा तो आपको इस मॉनिटर में दिख जाएगा। है, देखो। ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं जरा चेक करता हूँ। चिंटू बेटा, जरा इधर देखो, अब थोड़ा उस तरफ। हाँ, अरे वाह, लाइव रिकॉर्डिंग दिख रही है। चिंटू बेटा, उसी तरफ देखो, मैं उन बैंक रॉबर्स की रिकॉर्डिंग करके पुलिस को दे दूंगा। उन लुटेरों की रिकॉर्डिंग मत करो। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर रहा। वो आदमी वो भाग रहा है ना, उसने की। उसके बच्चे के गले में मेरा लॉकेट वाला कैमरा है, उसने पैसे भी नहीं दिए। पुलिस प्लीज जल्दी वेदा सिटी बैंक में आ जाइए, यहाँ रॉबरी हो गई है और रॉबर्स मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज मेरे बच्चे को पुलिस के पास पहुंचा दीजिएगा, गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। अरे वो बच्चा तो इस आदमी के पास है, कैमरा इस बच्चे के लॉकेट में है, पकड़ो उसे। अंकल चुपचाप अपने रास्ते चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बंटी ने बड़े बड़ों की घंटी बजा दी, तुम तो बच्चे हो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। लड्डू सिंह आ गया। हाय, किसने मुझे फोन किया था? जल्दी बताओ क्या हुआ, चोरी या डकैती या फिर किसी ने मांगी फिरौती? लड्डू सिंह जी, कुछ गुंडे इस बच्चे को छीन रहे थे। सर, एक आदमी भागता हुआ आया और इस बच्चे को मेरे हाथों में देकर भाग गया। उसे गुंडे पकड़ के वैन में ले गए, उसके कुछ साथी इसे छीन रहे थे तो शिवा ने बचा लिया। थैंक यू शिवा, तुमने जो करना था कर दिया। अब दुनिया लड्डू सिंह का इंसाफ देखेगी। जब तक मैं इस बच्चे को इसके पापा से नहीं मिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। सर, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। आज से ये बच्चा तब तक मेरे पास रहेगा जब तक इसका पापा नहीं मिल जाता। ओके लड्डू सिंह जी, तो फिर मैं चलता हूँ, किसी हेल्प की जरूरत हो तो कॉल करिएगा। हम
कैमरा तो अच्छा है, लाइव टेलीकास्ट करता है, वेरी गुड। मुझे छोड़ दो लड्डू सिंह जी, कभी भी आके तुम सबको पकड़ लेंगे। 3 साल का बच्चा लड्डू सिंह को कैमरा के बारे में नहीं बता सकता। जब तक लड्डू सिंह को कैमरा के बारे में पता नहीं तब तक हम सेफ हैं। अब सोचना ये है कि कैमरा वापस कैसे लाया जाए, लेकिन उससे पहले इसका बेटा लड्डू सिंह के पास कैसे गया? बॉस, एक और बच्चा आ गया, वो 9-10 साल का था। उसने हमें बहुत पीटा, कुदा कुदा कर पीटा, नचा नचा के पीटा बॉस, और हमें भाग के आना पड़ा। एक बच्चे से पिट के आ गए, कंटेनर भाई का नाम बदनाम कर दिया। यूं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो जाता नहीं। उस बच्चे को वापस लाने का तरीका सोचो जल्दी। बेटा तुम यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो, जब तक मैं नहा कर आता हूँ, फिर तुम्हें बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाऊंगा। ए इंस्पेक्टर, क्या लाल टॉवल लपेट कर खड़ा है? किसी और रंग का टॉवल नहीं मिला क्या? कौन हो भाई, कहाँ हो भी कि नहीं हो? मैं यहीं हूँ तुम्हारे आसपास, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। जान प्यारी है तो बच्चे को लाल पहाड़ी पर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें लाल पीला कर दूंगा। कौन है भाई, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो भी है उसे कैसे पता कि मैंने लाल टॉवल पहना है? भाई बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम सो जाना। नहीं नहीं, कहानी नहीं, नहीं नहीं, पोएम पोएम। अच्छा 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 अच्छा, मैं पोएम सुनाता हूँ, पोएम। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। आगे क्या था, आगे क्या था, याद आ जा। आगे है टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तुम्हें कैसे पता? शिवा शिवा, पता नहीं कौन मेरे घर में घुस गया है। मैं जो भी करता हूँ उसको सब दिखाई दे रहा है, कोई भूत आ गया है। तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ शिवा। हाँ नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं शिवा, शिवा तुम इस बच्चे को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लो, मैं जो भी करता हूँ उसको सब पता चल जाता है। जरूर कोई भूत है शिवा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस बच्चे को लाल पहाड़ी पर छोड़ दूँ, नहीं तो वो मुझे लाल पीला कर देगा। ओके शिवा, बाय, टेक केयर। किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो फोन करना। ये लड्डू सिंह जी इतना क्यों डरे हुए हैं? वो जानते हैं कि भूत नहीं होता, फिर भी एलियन तो होता है। हो सकता है ये बच्चा एलियंस का हो। ना ही ये भूत का है और ना ही एलियन का। उन बदमाशों को ये बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए, बस ये पता करना है। अगर उन्हें सब पता चल जाता है तो ये भी पता होगा कि बच्चा अब कहाँ है। रेवा, तुम लोग इसे घुमाने पार्क में ले जाओ और मैं दूर से नजर रखूंगा, हो सकता है वो इसे लेने आ जाए। ओके शिवा। शिवा जल्दी आओ शिवा। हे रुक जाओ। और तेज, बहुत मारेगा, और तेज। ये लड़का है
नया सुपर हीरो साइकिल भी उड़ाता है। ने बड़ों बड़ों की घंटी बजा दी, लेकिन ये बच्चा तो मेरी ही घंटी बजाने में तुला हुआ है। छोटे भैया, ये लो लॉकेट और मुझे बख्श दो। अरे मुझे तो बख्श दो, मैं गिर गया तो जीप कौन चलाएगा? ओके अंकल, आपको छोड़ देता हूँ, पर पहले जीप रोको। लड्डू सिंह जी, मेरे हाथ एक लॉकेट लगा है, मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। लड्डू सिंह जी, उस बच्चे के गले में ये लॉकेट था, लगता है इस कीमती डायमंड के ऊपर उन सब की नजर थी, तभी मैं इन जौहरी अंकल को साथ लाया हूँ। अंकल प्लीज चेक करके बताइए कि ये डायमंड कितना कीमती है। वड़ी सर, ये तो नॉर्मल अमेरिकन डायमंड है बड़ी, इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है। अरे बड़ी बाबा एक मिनट रुको, शायद इसके अंदर कुछ है। लड्डू सिंह जी, ये तो एक कैमरा है, इसको कनेक्ट करके देखते हैं, जरूर इसमें कुछ ऐसा है जिससे वो गूंज बचना चाहते हैं। ये सब हटाओ शिवा, मेरे घर की रिकॉर्डिंग अभी डिलीट करो, चलो जल्दी जल्दी। रिलैक्स लड्डू सिंह जी, अब असली बात समझ में आई। उन गूंस को पता है कि इस लॉकेट में एक कैमरा है जिसमें बैंक रॉबरी में उन सब के चेहरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसीलिए वो लोग बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। बस अब हमें उन लोगों की लोकेशन पता करनी है। शिवा, केस इज इन माय हैंड नाउ, अब मैं इंसाफ करके रहूंगा। तुम जाओ यहाँ से, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ए सुनो, तुम जो भी हो, तुम्हारे सारे राज मेरे सामने खुल गए हैं। तुमने बच्चे को छोड़ दो की रट लगा रखी थी ना, अब बचाओ। कहाँ छोड़ना है बच्चे को? इंस्पेक्टर, अब जब तुम बच्चे को हमारे पास छोड़ने को तैयार हो ही गए हो, तो लाल चौक पर क्यों कंटेनर यार्ड में ही छोड़ दो? ठीक है, मैं अभी आया कंटेनर यार्ड, आज होगा लड्डू सिंह का इंसाफ। किसका नाम है कंटेनर भाई? सामने आओ। आइए लड्डू सिंह जी, अंदर चले आइए, आपका स्वागत है। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे मैं तो बात करने आया हूँ भाई। लड्डू सिंह जी, ये तो हमारे स्वागत कराने का तरीका है, बिना स्वागत के आपको अंदर कैसे ले जाते हैं? अरे ये भी कोई तरीका है स्वागत करने का? स्वागत में लोग शरबत चाय पिलाते हैं, लेकिन तुम लोग बहुत हो गया स्वागत, मेरा बदन दर्द कर रहा है। अब चलकर बात करते हैं। तुम लोगों ने मुझे जितना पीटना था पीट लिया, पर अब एक बात गांठ बांध लो, इंस्पेक्टर लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहां से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई भी किडनैपर किडनैपिंग के बारे में सोचता है, तो लोग कहते हैं कि किडनैपिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। लड्डू सिंह जी, डायलॉग तो ढासू था,
अब वो लॉकेट मेरे हवाले कर दो। नहीं दूंगा लॉकेट, हिम्मत है तो आकर मुझसे ले लो। चल शिवा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। लड्डू सिंह जी, पहले आप देखिए आप वहाँ क्या कर रहे हैं, जरा नीचे तो देखिए। ये कंटेनर ऊपर कब आ गया? यही तो है कंटेनर भाई का असली ठिकाना, ऊपर से सब साफ साफ दिखाई देता है। बच्चे और उसके पापा को बचाओ, हम इन्हें देखते हैं। यूं तो मुझे कभी गुस्सा आता नहीं और रहता है तो जाता नहीं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शाबाश शिवा, वेरी गुड। कंटेनर भाई, पहले मेरे चेले से लड़ लो, फिर मुझसे भिड़ना। तुमने मुझे मारा, कंटेनर भाई को मारा, खत्म कर दो इसे। अरे सब मिलकर मुझे ही टारगेट पे, प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? क्यों अंकल, यूं तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता और आता है तो जाता नहीं, अभी क्या प्लान है? गुस्सा आ रहा है कि नहीं? गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को बचा लिया। इसे कहते हैं लड्डू सिंह का इंसाफ। कभी भी मदद की जरूरत हो तो फोन करना, लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी मत कर वरना लड्डू सिंह आ जाएगा, और चोर चोरी करना छोड़ देता है। सोचो लड्डू सिंह आए नहीं और चोर शरीफ बन गया, लड्डू सिंह आ जाते तो क्या होता? सीधा घूम या उल्टा घूम, सब पे चढ़ के झूम, जादू की नगरी जादू का टोला। रुद्र मंत्र का उचित उच्चारण, ये है सन सिटी। जैसा नाम है वैसी ही सिटी है। सन में जितनी ब्राइटनेस होती है उतनी ही यहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ ब्राइट और हैप्पी है। यहाँ के लोग छोटे मोटे जादू कर लेते हैं और अपनी दिनचर्या में जादू का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, लगता है इन्हें आज न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, तो जादू से कार चला रहे हैं और खूब न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी हैं। और इनसे मिलिए, अपने डॉगी की लीश पकड़ने के मूड में ही नहीं है।
यहाँ भी जादू। इस सिटी में हर तरफ जादू ही जादू है। हर इंसान को जादू आता है, लेकिन जादूगरों का जादूगर एक ही है, जिसके जादू के सामने किसी का जादू नहीं टिक सकता, और वो है इस सन सिटी का मालिक जय सिंह चौहान, जिन्हें लोग दादाजी कहकर भी पुकारते हैं। तो आइए मिलते हैं जय सिंह चौहान से। थैंक यू रंगीला। वैसे मैं नहा चुका हूँ और साफ करने की जरूरत नहीं। अरे फोटो वाला भूत, फोटो वाला भूत। अरे ये फोटो नहीं, मैं बोल रहा था। अरे कर भला तो हो भला। दादाजी आप मुझे सुबह सुबह क्यों डरा रहे हैं? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं शाकाल को चकमा देने के रोज नए नए तरीके सोचता रहता हूँ। वो सन सिटी पर कब्जा करना चाहता है, आज नहीं तो कल वो हमला जरूर करेगा और हमें तैयार रहना होगा। इसीलिए रुद्रा को भी एडवांस मैजिक सिखा रहा हूँ। चलो ठीक है। रुद्रा के लेसन का टाइम हो गया। रुद्रा, गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग दादाजी। तो फ्लाइंग सॉकर मैच की प्रैक्टिस चल रही है। गुड, वेरी गुड। मैच शुरू होने में टाइम है, चलो कुछ एडवांस मैजिक की प्रैक्टिस कर लें। आज हम क्या सीखेंगे दादाजी? छोटी मोटी कम वजन की चीजें तो सन सिटी में कोई भी पुश कर लेता है, जैसे तुमने अभी मुझे पुश किया था। बड़ी और हैवी चीजें पुश करना सिखाऊंगा, ठीक है? ओके दादाजी। अरे कर भला तो हो भला। दादाजी जो जादू रुद्रा को सिखाएंगे वो मैं भी सीख लूंगा और एडवांस मैजिक का जादूगर बन जाऊंगा। सबसे पहले जो मंत्र पढ़ रहे हो उस पे फोकस करो और खुद पे बिलीफ रखो, यानी कि फोकस एंड बिलीफ। तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो, तभी वो मंत्र काम करेगा। अब ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा वजन की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने के लिए पहले ये मंत्र पढ़ो। इबाइस्का जिबाइस्का सकुम खुशदूम। ये मंत्र तुम मन में भी सोच सकते हो। ये मंत्र पढ़ के उसे पुश करो। इबाइस्का जिबाइस्का सकुम खुशदूम। सॉरी रंगीला। रुद्रा उस रॉक को पुश करना है, खुद को नहीं। फिर से फोकस करो और खुद पे बिलीव करके वापस बोलो। फोकस एंड बिलीव। इबाइस का जिबाइस का सकुम पुश्तू। फोकस एंड बिलीव, खुद पे विश्वास याद रखो और ट्राई करो। रुद्रा कर पाए या ना कर पाए, मैं तो करके दिखाऊंगा। इबेस का जिबेस का साकुम पुष्टुम। दादाजी मैंने कर दिया, मैंने वो हैवी ट्रक मूव कर दिया, ये देखिए। अरे अरे ओहो, लगता है मेरा जादू कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अरे दादाजी ट्रक को रोकिए। ओहो रोको। वो तुमने जादू से नहीं किया, वो ट्रक ड्राइवर ट्रक को ले जा रहा है। रुद्रा तुम ट्राई करते रहो, फोकस एंड बिलीफ। अपने बदन में मैजिकल एनर्जी का फ्लो महसूस करो। हाँ यहाँ कोई बाहरी जानवर है। कहाँ? वो उधर उस पेड़ पे दादाजी, उधर देखिए। I'm
बोला रे ओला, मैं हूँ सपोला। किसी में इतना दम नहीं जो मुझे पकड़ सके। रुद्रा, तुम भी कोशिश करके देख लो छोटे जादूगर। ये तो शाकाल का जासूस सपोला है। थैंक यू जिमजुम, तुम सब ऐसे ही अलर्ट रहा करो। गुड मॉर्निंग दादाजी। हाय रुद्रा। हेलो, गुड मॉर्निंग रुद्रा, तुम अब इनके साथ जाओ। लगता है ये तुम्हें फ्लाइंग सॉकर मैच के लिए ले जाने आए हैं। जी दादाजी, फ्लाइंग सॉकर मैच शुरू होने वाला है, आप भी आना। मुझे तो आना ही पड़ेगा, तुम सब जो खेल रहे हो। ओके दादाजी, मैं ये मंत्र याद रखूंगा, हम कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे। सी यू देयर। रंगीला, मैच में चलने की तैयारी करो। जी दादाजी। ये हार अब मेरा हुआ, तुम दूसरा खरीद लेना। अकीरा बजूका विलेनो पीटो। बड़ा आया चोरी करने वाला। अगर इस तरह खेलेंगे तो हम सन सिटी से हार जाएंगे, और अगर हम हार गए तो वो शाकाल इन सबको खत्म कर देगा। ये जानते नहीं वो मायावी है, सबसे शक्तिशाली है। क्या खबर लाए हो सपोला? क्या ये खबर सच है कि जय सिंह चौहान अपने ग्रैंड सन रुद्रा को एडवांस्ड मैजिक सिखा रहा है? डरो मत शाकाल, मुझसे पूछ लिया होता मैं बता देता। हाँ, मैं रुद्रा को एडवांस मैजिक सिखा रहा हूँ। दोबारा तुमने अपने जासूसों को मेरे यहाँ भेजा तो अगली बार मैं खुद आऊंगा, और मैं आ गया तो तुम जानते हो कि क्या होगा। जय सिंह की इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आके मुझे ही धमका के गया है। तू नहीं जानता कि मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। अब मैं अपने माया जाल का कमाल जय सिंह चौहान को दिखाऊंगा, उसे खत्म करके उसकी सन सिटी पे मैं अपना कब्जा जमाऊंगा। शाकाल, अगर जय सिंह चौहान अपने ग्रैंड सन रुद्रा को एडवांस मैजिक सिखा रहा है तो आपको एक नहीं बल्कि दो दो बड़े बड़े मजिशियन से टक्कर लेनी होगी, और हाँ, आपका सन सिटी पर कब्जा करने का सपना टूट जाएगा। सन सिटी पे एक ना एक दिन शाकाल का कब्जा होगा, लेकिन उससे पहले आज के फ्लाइंग सॉकर मैच पे हमारा कब्जा होना चाहिए। सन सिटी और काल सिटी के साथियों, मैच शुरू होने वाला है। पहले आ रही है सन सिटी की टीम फ्लाइंग स्केट शूज पहन के, जिससे वो उड़ सकते हैं। गिव देम अ बिग हैंड। और ये आ रही है काल सिटी की टीम, उनका भी जोर शोर से स्वागत कीजिए। हाँ,
ओके, मैच शुरू करने से पहले एक बार फिर से सुन लो। जीतने के लिए 10 पॉइंट बनाने हैं। अगर पॉइंट्स बराबर रहे तो जो 11वां पॉइंट बनाएगा वो टीम विजेता होगी, और जो टीम जीतेगी उसे जय सिंह चौहान यानी कि मेरी फ्लाइंग ट्रेन में अम्यूजमेंट पार्क की सैर के लिए ले जाया जाएगा। ओके स्टार, ये बॉल ऊपर गई और बॉल रुद्रा के हाथ में आ गई, लेकिन गाल सिटी के टीम के कैप्टन ने रुद्रा को मोहनी मार के बॉल छीन ली है। वो बॉल लेकर आगे बढ़ रहा है और तेजी से गोल घूमते हुए जा रहा है, और ये गोल, पहला गोल गाल सिटी ने सन सिटी पर एक गोल कर दिया है। बॉल गाल सिटी की टीम ने फेंकी और सन सिटी के प्लेयर ने बॉल पकड़ ली है, उसने रुद्रा को बॉल पास कर दी है। रुद्रा बड़ी तेजी से बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या, गाल सिटी के कैप्टन ने टांग लगाकर रुद्रा को गिरा दिया है और अब बॉल गाल सिटी के कैप्टन के पास है। दादाजी देखिए, वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। उसने बिना कोई समय गवाए दूसरा गोल कर दिया है। गाल सिटी की टीम एक के बाद एक गोल करती जा रही है और सन सिटी की टीम कुछ नहीं कर पा रही। एक गोल, गोल! शाबाश रुद्रा, ऐसे ही खेलो, ऐसे ही खेलो। क्या बात है? Focus and believe, just two words. हम कर सकते हैं, जीत सकते हैं। Yeah! Sun City की टीम ने एक नए जोश के साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया है, और ये क्या, Sun City की टीम अब गोल पे गोल किए जा रही है। एक और गोल, Sun City की टीम helpless लग रही है। रुद्रा को अब चारों तरफ से काल सिटी की टीम ने घेर लिया है। देखते हैं वो क्या करता है। रुद्रा ने उन्हें चकमा देकर बॉल अपनी टीम के पैर को पास किया और उसने गोल किया। सन सिटी की टीम गोल पे गोल कर रही है, क्या बात है। मैच पॉइंट्स बराबर है, अब जो टीम एक विनिंग पॉइंट लेगी वो टीम ही जीतेगी। क्लाउडो फ्रीजो, एबाइस का जिबाइस का क्लाउडो डिफ्रीजो। सिटी के कैप्टन ने रुद्रा का फ्लाइंग स्केट शू निकाल दिया, और ये क्या, रुद्रा उड़ भी नहीं पा रहा। रुद्रा की आखिरी कोशिश और गोल। रेफरी की सीटी के साथ मैच का दी एंड एंड द विनर इज सन सिटी। Yeah!
फर्स्ट प्राइज तो टीम को मिला है, लेकिन दोनों टीम के प्लेयर्स मेरी फ्लाइंग ट्रेन में घूमने चलेंगे। से मैं हूं शाकाल। जय सिंह, ये तुम्हारा आखिरी सफर होगा, सब खत्म हो जाएगा और सन सिटी मेरी होगी, मेरी। पीछे जाओ और इस ट्रेन को किसी तरह इस रोशनी से बाहर निकालो। उन्हें सबको बचा सकते। रन रुद्रा रन। रुद्रा तुम आगे जाओ, हम इस जादू को रोकते हैं। मुझे इस ट्रेन को कैसे भी इस जादुई गोली से बाहर निकालना होगा। सिबाइस का बूम टिक बूम। कोशिश मत करो रुद्रा, तुम अभी भी छोटे हो। ये शाकाल के जादू का जाल है और इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन है। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। फोकस एंड बिलीफ, फोकस एंड बिलीफ। Bye, Scotty, bye, Scotty.
जाऊंगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। रुद्रा, मेरे बच्चे, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुमने सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे सनसिटी को शाकाल से बचाया है। थैंक यू रुद्रा, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो जल्दी से अपने अपने घर चलते हैं। घर नहीं वरुण, अभी हमारी फ्लाइंग ट्रेन सफारी बाकी है। शाकाल से तो मैं बाद में निपटूंगा, अब हम ट्रैक पे नहीं आसमान में उड़ के जाएंगे। रुद्रा, एक दिन तुम बहुत बड़े जादूगर बनोगे, मुझसे भी बड़े। I am proud of you. To watch more, download the all-new Voot Kids app and start your 30-day free trial today.